मम्मी जी मम्मी किट्टू गिर गई है, सीढ़ी से गिर गई। चोट आई है क्या? बहुत चोट आई है बेचारी, इतने दर्द में। डॉक्टर भी आया था, पता नहीं क्या होगा उसका। फिर माता रानी बस मेरी बेटी का ध्यान रखना, उससे कुछ ना हो। माता रानी कह रही थी ना, मैं कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी को लाने दो, पर आप लोग तो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे ना, सुन ही नहीं रहे थे। अब देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। ड्राइवर गाड़ी निकालो, अब मैं जा रही हूँ। उसे कुछ भी ना हो। माँ आई रहा हूँ। आई डॉक्टर। आई किट्टू डॉक्टर चेक करती है। आप सब लोग बाहर जाइए, लेडीज यहाँ रुक सकती हैं। हाँ भाई। I would say आपको सोनोग्राफी करवा लेनी चाहिए। मैं रिपोर्ट देखकर ही आपको कुछ बता पाऊंगी। उससे कुछ हुआ तो नहीं? She seems to be in pain. दर्द है इसलिए मैं कह रही हूँ ऐसे केसेस में डिले नहीं करना चाहिए। Let be sure. रिपोर्ट देखकर ही मैं कुछ बता पाऊंगी। हाँ डॉक्टर, लेकिन रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगे? इवनिंग तक, डोंट वरी। आप बस उन्हें रिलैक्स करने दीजिए। Give her light diet today and let her relax. ओके? अभी मैं आपको छोड़ देता हूँ। बहुत बड़ी कैलेसनेस हो गई। सारी बेवकूफी तो मेरी, मुझे किट्टू को जाने नहीं देना चाहिए, मुझे खुद ही फाइल लेके आनी चाहिए। भाई सॉरी, सारी गलती इसकी है। मैं इसको मना करता रहा, मत कर मत कर, फिर भी उसके पीछे दौड़ा वो। देखा क्या हो गया किट्टू को? अभी किट्टू को कुछ हो गया तो? पापा अभी अभी किट्टू हॉस्पिटल से आई, फिर भी तू उसके पीछे भाग रहा था। समझ नहीं आती तुझे? एक थप्पड़ लगेगा ना तब अकल आएगी। अरे आप शांत हो जाए बाबा जी। अरे शांत हो, चलना मेरे साथ, आजा। लापरवाही की भी हद होती है। तो उसमें अभी बचपना है। अरे बच्चा बच्चा कह के आप लोगों ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। मैं मना कर रहा था ना, फिर भी किट्टू के पीछे भागता रहा। बाबा से जान बुझ के नहीं किया, अब तू उसको बचाने की कोशिश मत कर। अरे बहुत बर्दाश्त कर लिया, हमेशा बच्चा समझ के माफ कर देता हूँ। ये तो मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं। सूर पापा प्लीज, आप टेंशन मत लीजिए, जैसे भी किट्टू को चेकअप के लिए ले जाना है ना। अच्छा श्रद्धा। अरे पापा जी, और डॉक्टर ने कहा है ना किट्टू इज परफेक्टली फाइन, हमें बस उसका ध्यान रखना है, बस ये देखना है कि घर का माहौल एकदम पॉजिटिव हो, और कुछ नहीं, उसे खुश रखना है हमें। आप शांत हो जाइए पापा। आनंद गाड़ी निकाल। मैं गाड़ी निकाल। भाभी आई एम रियली सॉरी। अरे भगत तू क्यों सॉरी बोल रहा है? तेरी गलती नहीं है ईशु, मैं ही खामा खा से भाग रही थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब तक तो रिपोर्ट्स भी आ गई होंगी ना? मैडम सोनोग्राफी हो गई है, वो रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए तो पता चलेगा। अरे आ गए। अरे किट्टू। हाँ बेटा। कैसी है? ठीक है ना? हाँ क्या हुआ? ठीक है ना सब? क्या कहा डॉक्टर ने?
बैठो बैठो। पेट में इतना दर्द क्यों था? वो गिरने की वजह से था चाचा। बेबी स्पाइन। अरे मेरी बहन है, ऐसी छोटी मोटी बातों से थोड़ी इफेक्ट हो जाएगी। झांसी की रानी है। बिल्कुल। ठीक से बताओ ना क्या हुआ। अरे मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ था पापा जी, आप लोग क्या भी टेंशन ले रहे थे। ओए, दो तीन दिन का कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है तुझे, अब ऐवे ही उठ के काम वाम मत करने लगना। टेंशन मत ले यार, छोड़ दे सब जाया पे। लो, मैं किट्टू का ख्याल रखूंगी, एक चम्मच भी उठाने नहीं दूंगी उसे। दीदी ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा है डॉक्टर ने। मम्मी लेकिन डॉक्टर ने ये जरूर कहा है कि किट्टू को सीढ़ियां अवॉइड करनी चाहिए। बट मुझे लगता है कि अगर हम किट्टू का, अरे मैं तो पहले ही कह रहा था के गिरने से पहले मैं मैडम को कह रहा था, मैंने कहा ये जब ऊपर नीचे जाती है तो मेरा दिल बड़ा घबराता है। वैसे कम डॉक्टर मैं भी नहीं हूँ। बिल्कुल, हमने तो तय कर भी लिया था कि तुम दोनों अब हमारे कमरे में शिफ्ट हो जाओगे और हम दोनों तुम्हारे कमरे में। मम्मी जी इसकी क्या जरूरत है? तुझसे किसी ने कुछ पूछा है? वैसे भी ये डॉक्टर जोर का ऑर्डर है, अब तुम्हारे कमरे में जाकर लेट जाओ, आराम करो। चलो सब लोग यहाँ पे बैठ के मजे करेंगे, मैं कमरे में बोर हो जाऊंगी। ऐसे नहीं काटते मुझे 9 महीने। आराम तो करना ही पड़ेगा। परेशान ऐसे ही इतना गिल्टी फील कर रहा था। परेशान जया, वो कपड़े उठा कर ले जा और ये दवाइयाँ भी। अच्छा दवाई में ले जा। शुक्र है भगवान का, सब कुछ ठीक तो हो गया। बहुत टेंशन हो गया था। क्या हो गया, सोच रहे हैं कुछ? हाँ मैडम, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया ईशान को। उस बेचारे का क्या कसूर, मजाक कर रहा था, खेल रहे थे दोनों। किट्टू का तो सबसे ज्यादा लाडला है वो, पता नहीं क्या क्या कह दिया मैंने। नॉट गुड। ईशान क्या हुआ यार? ईशान यार, पापा का डांटना इतना बुरा लग गया तुझे? मैं तो बस मजाक कर रहा था भाभी से, और पापा ने मुझे ऐसे डांट दिया जैसे मुझे तो फिकर ही नहीं है भाभी। ऐसा नहीं है यार, वो किट्टू के लिए टेंस थे ना, तो सारा गुस्सा तुझ पे निकाल दिया, लेकिन दिल में कुछ नहीं होता। लेकिन पापा मुझे जिम्मेदार समझते हैं। नहीं है ऐसा, ऐसा ही है। आपने सुना नहीं क्या क्या कह गए वो मुझे? फिर मैं भी सॉरी फील कर रहा हूँ, और मुझे भी डर लग गया था कहीं भाभी को कुछ हो ना जाए, और पापा देखिए मुझ पे। ईशान तू जानता नहीं क्या पापा को? अरे उनका गुस्सा ऐसा ही है यार, एक बार जो कह दिया सो कह दिया, बात खत्म। और ईशान तेरी वजह से मैंने कितनी डांट खाई है, और जनाब को देखो अपने ईगो पे लेके बैठ गए। भाई ईगो नहीं है, पापा ने जिस तरीके से मुझे सुनाया है ना वो कुछ और ही है, और आप लोग नहीं समझोगे क्योंकि कभी आपसे तो ऐसी बात करी नहीं है, करी तो मुझसे है, और उनकी यही बातें मुझे हर्ट करती है। ईशान यार बच्चा है तू बिल्कुल, तुझे पता है अगर मैं अपनी मॉम के किस्से लेकर बैठा ना तो पता नहीं कितना हर्ट होना पड़ेगा। आप लोग चाहे जो भी कहो, पापा को मैं पसंद ही नहीं। अरे ईशान बुरा, इस वक्त उसे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। मैं ऐसा करता हूँ, मैं किट्टू को देखता हूँ। चलिए। किट्टू भाभी के तो मजे हो गए, वो तो बेड पे आराम करेगी, और श्रद्धा दीदी चली जाएंगी अपनी ससुराल, सारा काम करेगी नौकरानी जया। क्या बोल रही हो जया तुम? तू भाभी जो तुम्हारे लिए इतना खाना बनाती थी, तुम्हारा सारा काम करती थी, वो तुम्हारी नौकरानी थी। इसे फैमिली कहते हैं जया, जहाँ हर एक कोई एक दूसरे की मदद करता है। देखो तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत बांटो, तुम्हें पता है ना मुझे काम करना पसंद नहीं है, और ऐसे ही चलता रहना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। क्या? हाँ चली जाऊंगी मैं अपने मायके। कब जाना है मुझे बताओ, टिकट्स मैं कराता हूँ। अगर तुम्हें आराम ही करना है ना, अच्छा होगा अपने घर जाके करो। क्या? क्योंकि जब तक यहाँ रहोगी
किट्टू भाभी का हर काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। मत करा दी सेवा। आशीष को क्या हो गया आजकल? मुझे काम करने को कह रहे। किट्टू, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े रख दिए और अब मैं बादाम मिलके क्या आती हूँ। मैं कपड़े ले आया, कबर्ड में रख दे। नीचे से ऊपर ही तो जाना है। अरे आशीष, वहां एक पापा की नॉवेल्स पड़ी है, वो लेकर आना और फिर ये दवाई भी ले लेना, ठीक है? जी मैम। जया, क्या हुआ बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों है? नहीं मम्मी जी। ओ, किट्टू के लिए परेशान है? डोंट वरी, किट्टू बिल्कुल ठीक है। जया, तुम भी कुछ काम कर लो। वैसे बेटा, ये जो मेरा पोता ये पोती जो भी है, भाई बड़ा शैतान है, अभी से दादा दादी को नचा दिया इसने। जया, काम नहीं हुआ? हाँ, बस अभी लाई। अरे यहाँ से ऊपर ही तो जाना है, लेकर जाएंगे ना सास। इनके लिए? हाँ हाँ, ये लो दूध। दीदी, अभी मुझे दूध नहीं पीना है। ये क्या बात हुई? एक बार आनंद आ जाता है तो फिर कभी आप आ जाती हो। अब मुझे बहुत चिढ़ हो रही है, मैं अभी दूध नहीं पीऊंगी, प्लीज। देखो भाई देखो, तुम्हारी मम्मा दूध पीने के लिए कितने नखरे कर रही है। एक बार बाहर आओगे ना तो मम्मा को खूब परेशान करना। दीदी चलो चुपचाप दूध पियो, वरना बुआ अपने भतीजे को और चढ़ाएगी। भाभी गजब हो गया है, कामिनी आंटी आई है और बहुत गुस्से में। दीदी आपसे तो मिलने को राजी नहीं है, भाभी सिर्फ आपको देखना चाहती है वो। जय, तुम उनसे जाके कह दो मुझे किसी से नहीं मिलना है। किट्टू! नहीं दीदी, मुझे नहीं मिलना उनसे। एक बार पहले भी गिर गई थी ना किट्टू, और फिर से गिर गई। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग उसका ध्यान क्यों नहीं रखते हो? कामनी जी, जैसे हमें पता लगा किट्टू प्रेग्नेंट है तो हमने उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि किसी भी काम को हाथ नहीं लगाना। अब बच्चे हैं, आपस में मजाक कर रहे थे, गिर गई, इसमें कोई क्या कर सकता है? पानी, नेवर माइंड। मेजर साहब, आप तो अपनी गलती कभी मानोगे नहीं ना, और किट्टू वो भी आपके खिलाफ कभी नहीं जाएगी। लेकिन मैं कह देती हूँ, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। मॉम, प्लीज, ये क्या कह रही हैं आप? कुणाल, तू तो ना चुप ही कर। यानी इन लोगों ने मेरे बच्चों पर क्या जादू कर दिया? बेटी तो बेटी, और अब बेटा भी इनके वश में आ गया है। घर जमाई बनकर यहाँ बैठा हुआ है, यही प्लान करके आई थी वो लड़की। मॉम प्लीज, मेरा डिसीजन है वो भी कुछ दिनों के लिए। क्या बकवास कर रही है कामिनी? तूने खुद बेटी और बहू को घर छोड़ने पर मजबूर किया है। नेवर माइंड कीजिए आप, मैं यहाँ किट्टू से मिलने आई हूँ, बस उससे मिल लूँ। किट्टू, किट्टू बेटा। अरे आंटी जी, आप कहाँ जा रही है? आपकी बेटी ने ना आपसे मिलने से साफ मना कर दिया है। बताइए कैसी बेटी है जो अपनी माँ से ही नहीं मिलना चाहती? सुना तुमने, तुम्हारी बेटी ने मिलने से मना कर दिया? अरे यहाँ तो वो गिरी है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन तुमने जो उसके दिल पे चोट पहुंचाई है ना, उसका घाव कभी नहीं भरेगा। नहीं नहीं, मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओ। उसकी हालत ऐसी नहीं है कि उसे कुछ भी समझाओ। आज झुकती हूँ तुम्हारे सामने, उसके आगे कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। मम्मी जी, आप मेरी बात नहीं समझ रही। नहीं जाओगी? मैं सिर्फ उसे देखना चाहती हूँ, बाहर से देखकर आ जाऊंगी, पर मैं अपनी बेटी को देख तो लूँ एक बार। तुम नहीं जाओगी, ये तुम्हारी सास कह रही है। खैर चलो, चिंता मत करो, ये लोग किट्टू का ख्याल तुमसे बेहतर रखते आए हैं और रखेंगे। अगर किट्टू का भला चाहती हो तो चलो,
नहीं तो अपनी बेटी को जिंदगी भर के लिए खो दोगी। चलो अपने रिश्ते बिगाड़ दिए। आज कोई नहीं है उनके साथ, कि अपनी औलाद तक नहीं। ये दोनों बच्चे अपनी मां के सामने सख्त हो जाते, इनके दिल पे क्या गुजरती है समझ सकती। किट्टू बेटा, मिल लेती ना अपनी मां से। देखो ना, अब बुरा लग रहा है ना, जिद करके उनका मन दुखाया जो तुम दुखाना नहीं चाहती थी। यही सही था मम्मी जी, कभी कभी दिल पे पत्थर रख के करना पड़ता है। किट्टू, मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। मम्मी जी एक बात कहूं, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी अभी। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है तेरे बाल सवार देती हूँ। तुम्हें पता है ऐसे वक्त में तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए, तुम्हारे लिए और तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना ईशान के वक्त, तब मेरी सास ढेर सारा तेल चुपट देती थी सर में, टपकता रहता था, कहती थी दिमाग को ठंडा रखने के लिए अच्छा होता है। मम्मी जी आप अपने टेंशन दूर करने के लिए क्या करती थी? टेंशन तो होते ही है, जिंदगी ही क्या जिसमें टेंशन ना हो। जब ईशान पेट में था तब भी बहुत परेशान रहती थी मैं ईशान के पापा को लेकर, सोचती थी कि तलाक ले लो, पर फिर डर जाती थी बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर चुप रहकर सब कुछ सहन कर लेती थी। मेरे ख्याल में टेंशन्स दूर भगाने के लिए ना हमें वो सब सोचना चाहिए जिससे हमें ढेर सारी खुशी मिले, इसके अलावा हमारे हाथ में होता ही क्या है। देखना, ईशान के पैदा होने के बाद मैंने तलाक ले लिया और फिर तेरे पापा जी के साथ नई जिंदगी शुरू की। टेंशन में जी रही थी। नहीं बेटा, तब तो जोर थे मेरे साथ, उनके बारे में सोचकर ही मैं रिलैक्स हो जाती, हमेशा खुश रहने की कोशिश करती। बताया क्यों? क्योंकि बेटा एक नन्ही सी जान अपने माँ के टेंशन्स भाप लेती है। पर फिर जोर ने जिस तरह ईशान को अपना लिया, मेरे सारे दुख छड़ गए। फिर जाके तो जोर मेरी जिंदगी का सहारा इस तरह बने कि जब भी मैं उनके बारे में सोचूं मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाता, मन में एक विश्वास हमेशा रहता कि चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, मेरे जोर मेरे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने मम्मी जी,
हमारी जिंदगी में ऐसा कोई तो होना चाहिए जो हमारी धुरी बन जाए। अब मैं भी बिल्कुल आपके जैसा करूंगी। जब भी मुझे रिलैक्स करने का मन करेगा ना, तो मैं अपने सबसे खूबसूरत रिश्ते के बारे में सोचूंगी, आनंद के बारे में। ये पापा का बेटा नहीं हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।